कुछ किस्से पूरी कहानी कह देते हैं और कुछ कहानी बस एक किस्सा बनकर रह जाती है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल ज्ञान प्लस पर। जैसा कि हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि अलादीन का किस्सा अलग तरीके से अलग अलग जगहों पे सुनाया जाता है, आज हम बताएंगे कि जब 1992 में वॉल्ट डिज्नी ने अपनी एनिमेटेड फिल्म अलादीन निकाली तो अपने हिसाब से क्या रूपांतर किए और जादुई चिराग का क्या हुआ। सिर्फ यही नहीं बल्कि ये भी बताएंगे कि चमत्कारों की गुफा और जादुई कालीन किसने और क्यों बनाई। तो चलिए शुरू करते हैं इस किस्से को। जैसा कि आप जानते हैं कि जादुई चिराग अलादीन के हाथ लगने से पहले हजारों सालों तक चमत्कारों की गुफा में बंद था। इस चिराग का पहला मालिक बहुत ही समझदार था। उसने एक ऐसी बाजी खेली जिससे चिराग का जादू कोई गलत तरीके से इस्तेमाल ही ना कर पाए। चिराग के मालिक ने पहली इच्छा ये मांगी कि मुझे इतना अमीर बना दो कि दौलत से पूरी गुफा भर जाए। इस इच्छा से गुफा अस्तित्व में आई। उसकी दूसरी इच्छा थी कि मुझे सफर करने के लिए कोई ऐसा साधन दो जो न थके, जिसमें ऊर्जा कभी खत्म न हो और जो कभी खराब ना हो। तभी दूसरी इच्छा से उसने उड़ने वाला कालीन पाया। अब कभी न खत्म होने वाली दौलत और कहीं भी आने जाने के लिए कभी न रुकने वाले साधन को पाने के बाद उसने ऐसी तीसरी चीज मांगी जिससे वो ये सब किसी योग्य और लायक इंसान के साथ बांट सके। तभी तो एक दौलत से भरी गुफा का निर्माण कुछ ऐसा हुआ कि वह चमत्कारों की गुफा बन गई। और उसकी तीसरी और आखिरी इच्छा थी कि इस चिराग को हासिल करने वाला इसके लायक हो, जो चाहे हालत का गरीब हो मगर दिल का अमीर हो। यानी कि एक ऐसा इंसान जो सारे नियमों का पालन कर सारी दौलत को नजरअंदाज कर सिर्फ चिराग को पाना अपना लक्ष्य समझे और अगर उसमें जरा सा भी लालच हो तो उसका अस्तित्व वहीं मिट जाए। इस आखिरी इच्छा से यह सुनिश्चित हो गया कि जीने की शक्तियों का कोई गलत इस्तेमाल ना कर पाए। यह परीक्षा थी चिराग को पाने वाले इंसान के चरित्र की। अब आप खुद सोचिए, अगर आपको ऐसी कसौटी पर उतरना पड़ता तो लालच में आके आप गुफा में मौजूद थोड़ी बहुत दौलत समेटने की कोशिश करते या इतनी दौलत देने वाले जादू चिराग को हासिल करना चाहते। आखिर दौलत का स्रोत तो ये चिराग और उसमें कैद जीनी ही है। अगर वो हासिल कर लिया तो ना जाने ऐसे ही कितनी असीम दौलत को आप अपना बना सकते हैं। अब ये सोचने वाली बात तो है, तो ये बात तो हुई गुफा और कालीन की। अब समझते हैं कि वॉल्ट डिज्नी ने अलादीन की कहानी में क्या बदलाव किए। जफर जॉर्डन नदी के पास बसे शहर एग्राबा का शाही वजीर था वो और उसका बोलने वाला तोता इयागो चमत्कारों की गुफा में बंद एक जादुई चिराग को हासिल करने की तरकीबें लगाते हैं। उन्हें किसी से पता लगता है कि उस गुफा में सिर्फ एक इंसान जा सकता है जो नेक दिल होगा या जिसका लक्ष्य लालच नहीं सिर्फ चिराग होगा। जफर को बाद में पता लगता है कि वो इंसान अलादीन है, एग्राबा का एक लावारिस चोर। एक बार की बात है, एग्राबा की शहजादी जैस्मीन उदास मन से महल से भाग जाती है क्योंकि उसने वहां का कानून मान्य नहीं होता, जिसके तहत उसे सिर्फ एक सहजादे से शादी करनी होगी। वो अपनी इच्छा से किसी से प्यार करके उसे शादी नहीं कर सकती। वहीं के बाजार में सहजादी की मुलाकात अलादीन और उसके बंदर अबू से होती है। इसी बीच अबू सहजादी की मां की यादगार उसका कड़ा चुरा लेता है, जिसे लौटाने अलादीन महल पहुंच जाता है। रात के अंधेरे में आया घुसपैठ या चोर समझ के जफर अलादीन को कैद करवाकर सजाए मौत देने का ढोंग रचता है और सबसे कह देता है कि अलादीन मर गया है। फिर जफर एक बुढ़े आदमी का फेस बदलकर अलादीन और अबू को चुरवाने के बदले गुफा तक लाके उनसे गुफा से चिराग लाने को कहता है और आगाह करता है कि चिराग के अलावा वो कुछ ना छुए। अलादीन को जादुई चिराग मिल जाता है और साथ में उड़ने वाली कालीन भी, मगर गुफा के नियम भूलकर अबू वहां से एक बड़ा चमकीला हीरा उठा लेता है जिससे गुफा ढहने लगती है। अलादीन जैसे ही चिराग जफर को देता है वो उन दोनों को गुफा में धक्का दे देता है, मगर तेज अबू वो चिराग वापस चुरा लेता है। गुफा में कैद अलादीन जैसे ही चिराग घिसता है उसमें रहने वाला जीनी अचानक प्रकट होता है। जीनी उससे कहता है कि वो कोई भी तीन इच्छा मांग सकता है। अब बिना एक भी इच्छा गंवाए अलादीन अपनी चतुर बुद्धि से जीनी को बेवकूफ बना सबको सही सलामत गुफा से बाहर निकलवा लेता है। अलादीन सहजादी को पाने के लिए अपनी पहली इच्छा में जीनी से खुद को एक सहजादे की पहचान देने को कहता है और वादा करता है कि तीसरी इच्छा में वो जीनी को चिराग की कैद से आजाद कर देगा।
इधर यागो के सुझाव से जफर सुल्तान बनने के लिए जैस्मिन से शादी करने का षड्यंत्र रचता है, मगर तभी अलादीन शहजादे अली के नाम से बहुत सारे हाथी घोड़े और तोहफों के साथ एब्रागा में दाखिल होता है, जिसे देख जैस्मिन के पिता सुल्तान जैस्मिन का रिश्ता अली से कराने को राजी हो जाते हैं। जैस्मिन की मर्जी न पूछे जाने पर वो बहुत नाराज होती है और इस बात की माफी मांगने के लिए अली उसे अपने उड़ने वाले कालीन पे बैठा के सैर पे ले जाता है। यहाँ जैस्मिन को पता लग जाता है कि अली ही अलादीन है, मगर अलादीन झूठ कहता है कि शाही जिंदगी से विराम लेने के लिए कभी कभी वो अलादीन का भेस ले लेता है। जैसे ही अलादीन जैस्मिन को वापस घर पहुंचाता है, जफर के कहने पे शाही सैनिक अलादीन को कैद कर समुद्र में हाथ पैर बांधकर फेंक देते हैं। तभी जीनी आता है और अलादीन को बचाने में उसकी दूसरी छका इस्तेमाल कर लेता है। अलादीन महल पहुंचकर जफर के षड्यंत्र को बेनकाब कर देता है और ये जानते ही जफर फरार हो जाता है। इस डर में कि उसकी सच्चाई जानकर जैस्मिन उसे छोड़ देगी, अलादीन अपना वादा तोड़ते हुए जीनी को आजाद करने से मना कर देता है। इसी बीच यागो, जो कि जफर का तोता होता है, चिराग चुरा लेता है और जफर जीनी का नया मालिक बन जाता है। अपनी पहली दो इच्छा में वो मांगता है कि वो सुल्तान बन जाए और दुनिया का सबसे शक्तिशाली जादूगर बन जाए। फिर अलादीन की असलियत सबके सामने लाते हुए वो अलादीन अबू और कालीन तीनों को एक बर्फीली बंजर जगह पर गायब कर देता है। वहां से बचकर निकलकर जैस्मिन की मदद से अलादीन चिराग को हासिल कर लेता है, मगर जफर के जादू के आगे हार जाता है। गुस्से में जफर जीनी से तीसरी इच्छा मांगता है कि उसे सबसे ताकतवर जीनी बना दे। जीनी बनते ही जफर चिराग से बन जाता है और यागो के साथ चिराग में कैद हो जाता है। जैसे ही एब्रागा में सब ठीक हो जाता है, जीनी कहता है कि अपनी तीसरी इच्छा मांग, तुम शहजादे बन, कानून के हिसाब से जैस्मिन से शादी कर लो। मगर अलादीन अपना वादा पूरा करते हुए आखिरी इच्छा में जीनी को आजाद कर देता है। अलादीन और जैस्मिन का प्यार देखते हुए सुल्तान कानून बदल देते हैं कि शहजादी अपनी इच्छा से किसी से भी शादी कर सकती है। आजाद जीनी दुनिया की सैर पर निकल जाता है और अलादीन जैस्मिन नई जिंदगी की शुरुआत। अब आप सोच रहे होंगे कि जादू चिराग का क्या हुआ जिसमें जफर और इयागो कैद थे। तो जीनी ने चिराग को 10,000 सालों के लिए चमत्कारों की गुफा में बंद कर दिया होता है। इसी बीच चिराग जैसे छोटी सी जगह में लड़ते लड़ते जफर और इयागो एक दूसरे से उब जाते हैं और नफरत करने लगते हैं, पर किसी तरह इयागो चिराग और गुफा से निकल जाता है और जफर से परेशान और दुखी होकर चिराग को खोलते हुए लावा में फेंक देता है, जिससे चिराग पिघल जाता है और चिराग के साथ साथ जफर का भी नामो निशान मिट जाता है। तो दोस्तों, पिछली वीडियो का शाउट आउट जाता है प्रफुल्ल जाधव जी को, जिन्होंने बहुत ही प्यारा कमेंट किया था। इस कमेंट के लिए प्रफुल्ल जाधव जी ज्ञान प्लस आपको तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता है। और दोस्तों, आप कमेंट्स में पिक मी लिख सकते हैं, जिससे आने वाली वीडियो में आप में से किसी एक को मिलेगा ज्ञान प्लस की तरफ से शाउट आउट। दोस्तों, आपका अलादीन और उसके जादुई चिराग के बारे में क्या कहना है हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। और उस वीडियो का पार्ट 3 चाहिए हो तो कमेंट्स में पार्ट 3 जरूर लिखें। और साथ ही साथ अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो टारगेट रखते हैं 5,000 लाइक। अब 5,000 लाइक इतने ज्यादा तो है नहीं, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे मेरी गुजारिश है कि हमसे जुड़े रहने के लिए और ऐसे ही और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।